राम राम, नमस्ते, सुप्रभातम्। अद्य दिवसस्य पञ्चाङ्गम्। अद्य श्री श्वेतवराहकल्पस्य वैवस्वतमन्वन्तरः। द्वितीयपरार्ध उत्तरायणः शीत ऋतुः। फाल्गुनमासस्य कृष्णपक्षस्य षष्ठीतिथिः। गुरुवासरः। युगाब्द द्वाविंशत्यधिक एकपञ्चाशत्शतम्। विक्रम संबंध 770-2000। मार्च मासस्य चतुर्थी तारीखः। अद्य दिवसः सर्वेषां कृते मंगलमय भवतु इति विभवतरविन्दुः विनम्र प्रार्थना। आज की प्रेरणा। ठोकर लगने का मतलब यह नहीं कि हम चलना छोड़ दें, बल्कि ठोकर लगने का मतलब यह होता है कि हम संभल जाएं। एक बहुत बड़ा सेठ होता है, बहुत पैसे वाला आता है, और थोड़ा जैसे पैसे वाले को थोड़ी सी घमंड तो रहती है। हाँ, एक दिन कार में जा रहा होता है, उसका कार का ऑडियो चल रहा होता है। अच्छा, तो ऑडियो में एक कोई संत पुरुष बोल रहा होता है कि भाई आप पैसा कमाओ तो पैसे का सदुपयोग करना चाहो, पैसा आप हाथ में लेके जाने वाले। वो जैसे जैसे बोलते जाता है ना, उसको लगता है यार साधु संत है, उसको मालूम नहीं पैसा कैसे कमाया जाए। तो पैसा कोई साथ बोले तो उसके दिमाग में आता कि ये बात तो मैं गलत। बहुत बड़ी इंडस्ट्री होती है उसकी, तो वो क्या करता है अपने पूरे एम्प्लॉयज को बुलाता है और बोलता है मैं तुम लोगों को एक बहुत बड़ा इनाम दूंगा अगर आप मुझे ये पैसा स्वर्ग में कैसे ले जा सकता हूँ। वो लोग आइडिया दे। अब जितने भी वो जो उनके थे उनको क्या लगता है कि यार सेठ पगला गया, पैसा यार स्वर्ग में कैसे ले जा सकता, ये तो पॉसिबल नहीं है। अब वो वापस बनना दिन होती है, वापस पूरी इंडस्ट्री के हजारों वर्कर को इकट्ठा करता है, बोले कि मुझे आइडिया दो कि पैसा मैं स्वर्ग में कैसे ले जाता। अब यार सब बोलते हैं, अभी बात सब जगह फैल जाती है कि भाई सेठ को कोई आइडिया दे दो। एक स्ट्रेंजर आता है एक दिन, अच्छा बोला सेठ मेरे पास आइडिया है। बोले आपके पास आइडिया? उसकी आंखों में चमक आ जाती है यार, कोई पहला आदमी मिला तो सही जो बोल रहा है कि मेरे पास आइडिया। बोले सेठ आप कितनी दुनिया घूमे हो? बोले पूरी दुनिया घुमाओ। बोले आप यूएस जाते हो? हाँ यूएस जाता हूँ। तो यूएस जाते हो तो पहले क्या करते हो? तो बोले पहले मैं ना करेंसी चेंज करता हूँ। अच्छा, मेरे इंडियन रुपये को मैं डॉलर में कन्वर्ट करता हूँ। फिर यूके जाते हो? वहाँ क्या करते हो? बोले पाउंड में कन्वर्ट करता हूँ। किस लिए? बोले यार ये तो कॉमन चीज है, इंडियन करेंसी वहाँ चलती नहीं है। सब जगह दुबई जाते हो वहाँ भी करेंसी चेंज करनी पड़ती है। तो बोले सेठ स्वर्ग में करेंसी अलग है। स्वर्ग की करेंसी क्या है? स्वर्ग की करेंसी पुण्य है। पुण्य, तुम्हारे पैसे को तुम अगर पुण्य में कन्वर्ट कर दो बराबर है, तो सेठ को दिमाग में चमक आ जाती है, वो दिन से वो दान धर्म में लग जाता है। तो आज आपने अपना भी जिसका भी खाता चल रहा है ना, अपने भी हेवनली अकाउंट के लिए तैयारी करनी चालू करो। बहुत है ना, वो पुण्य वाली ही चलने वाली है।